हेलो गाइज, सब्सक्राइब करें रश्मीज ब्लॉग किचन एंड गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कभी ना ख़राब होने वाला खीरे का अचार। आप हमारी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, आप इसे सालों साल रख सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिए 5 kg कच्ची केरी। तो आप अच्छी ताज़ा फ्रेश केरी लीजिए और इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। बीच का जो पार्ट होता है उसे आप निकाल दें। तो ये देखिए, ये जो बीच में इसकी गुठली होती है उसको हमें निकाल देना है। इसके बीच के हिस्से को हम निकाल देंगे, केरी को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। तो आप चाहे तो नाइफ या केरी कटर आता है उससे भी कटिंग कर सकते हैं, और नाइफ की हेल्प से भी अगर कटिंग होती है तो आप काट सकते हैं। तो इस तरह से कॉटन का कपड़ा बिछा करके केरी को मैंने धो करके लिया है। पहले धो करके अच्छे से धूप में सुखा लिया था केरी को, और उसके बाद में अब हम इसकी इस तरह से कट कर लेंगे। बीच में जो गुठली है उसको निकाल देंगे और सारी केरी को तोड़ करके तैयार कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ 5 kg केरी का अचार। तो इस तरह से केरी को तोड़ना है। अब देखिए, ये है नमक और ये है हल्दी। केरी को कटिंग करने के बाद हम नमक और हल्दी इस पे लगाएंगे। तो 1 kg केरी के अंदर हम 100 g नमक का यूज करेंगे, और हल्दी क्वांटिटी के अनुसार, जैसे थोड़ा कलर आ जाए उतनी हल्दी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच ही। बाकी केरी को हम कटिंग कर रहे हैं और इस डब्बे के अंदर डालते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा नमक इसके अंदर डालते जाएंगे। तो केरी को आपको ऐसे डब्बे के अंदर डाल देना है। प्लास्टिक का डब्बा मैंने यूज़ किया, आप चाहे तो कांच के बर्तन में भी डाल सकते हैं। प्लास्टिक का जो टप होता है हमारा, उसके अंदर भी आप कट कट करके डाल दें, फिर थोड़ा थोड़ा नमक और हल्दी डालते जाएं। नमक की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, 1 kg के अंदर 100 g नमक, और हल्दी जैसे कलर आ जाए वैसे हम हल्दी डालते जाएंगे। तो जैसे जैसे मेरी केरी कटिंग होती है मैं इसके अंदर डालती जाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा नमक मैंने तोल करके लिया है 500 g, और हल्दी मैंने ऐसे ही ली है। तो इसके ऊपर ये सारा जो नमक है धीरे धीरे करके डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर सिर्फ 2 बड़े चम्मच यूज किया है, और नमक क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, 5 kg केरी के अंदर 500 g नमक का यूज करेंगे। तो इस तरह से नमक डाल करके इसको 3 दिन के लिए एकदम कड़ी धूप में रख देना है। ध्यान रखना, 3 दिन आपको बिल्कुल इसे धूप में रखना है, और बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है। हाथ ना लगाएं बिल्कुल भी, कच्चे पानी के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, और पानी के पास भी बिल्कुल नहीं रखना है। थोड़ी सी सावधानी केरी का बढ़िया अचार बना देती है, तो इसलिए आपको सावधानी रखनी है। केरी का अचार बनाते समय पानी का हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं, और जहाँ तक संभव हो स्पून का भी यूज ना करें। अब डब्बे को उठा करके ही आप इसको हिला दें, ऊपर नीचे कर दें केरी को, जैसे हम फटका लगाते हैं ना वैसे केरी को आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दिन में 2 से 3 बार इसको थोड़ा चला दें फटका लगा करके, और फिर इसको धूप में रहने दें। ऊपर से इसको कवर लगा दें, कपड़े का कॉटन का कपड़ा ऊपर लगा करके धूप में रख दें। अब ये मैं मसाला बना रही हूँ, 1/2 kg मैंने सौंफ लिया है, तो सौंफ को मैं थोड़ा सेक लूँगी। 2 से 3 मिनट में सौंफ आपकी सिक करके तैयार हो जाती है। थोड़ी सी हल्की सी हमें रोस्ट करनी है। अब मैंने लिए मेथी, मेथी ले रही हूँ मैं 200 g। मेथी को भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है 2 मिनट के लिए। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ना हाई ना स्लो, एकदम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लेंगे, और फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको बिल्कुल पूरा ठंडा करेंगे। सेकने के बाद आप दोनों चीज़ों को पूरा ठंडा करें। आप चाहे तो इसके अंदर जो पीली सरसों होती है 100 से 200 g, वो 200 g के लगभग पीली सरसों का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास पीली सरसों आज नहीं है तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। ये दोनों मैंने सेक करके तैयार कर लिया, तो मैं इसको दरदरा सा पीस करके तैयार करूँगी। दरदरा सा पीस करके तैयार कर लिया है मेथी को और सौंफ को। मेरी तरफ तेल भी अच्छा गर्म हो गया है, तो चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आपकी सौंफ और कलौंजी, काला जीरा जो है, कलौंजी भी बोलते हैं इसको लोग, तो ये देखिए इस तरह से तड़क रहे हैं। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है, बस इसको थोड़ा सा और गर्म कर देता, पूरा ज्यादा गर्म करके फिर थोड़ा ठंडा करके। ये देखिए, ये सौंफ और कलौंजी मैंने मिला के मिक्स की कर करके रखी हुई है, इनको थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, फिर तेल को पूरा ठंडा करेंगे, थोड़ा हींग पाउडर भी डालेंगे। बस एकदम अच्छा गर्म करना है तेल, जैसे इसे डालते हैं डालते ही देखिए ऊपर आ जाती है सौंफ। ये देखिए, तो एकदम अच्छे से गर्म हो गया है।
तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट के बाद जैसे तेल थोड़ा ठंडा हो जाता है, हींग पाउडर डाल देते हैं। एकदम ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर इसके अंदर सारे ये जो अपने हैं सौंफ वगैरह डाल देने हैं तो थोड़ी फ्राई हो जाएंगे। और अब इसको पूरा ठंडा होने देना है, तेल को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। और दूसरी तरफ 3 दिन हो चुके हैं तो केरियां भी आप देख सकते हो गल करके तैयार हो गई है। तो मैंने इनको नमक और हल्दी लगा करके 3 दिन तक के लिए धूप में रखा। अब मैं इसका पानी इसके अंदर ही रहने दूंगी, डब्बे के अंदर ही, और केरी केरी निकाल करके कपड़े पे फैला देती हूँ। तो मैंने तख्ते के ऊपर है ना प्लास्टिक लगा करके फिर कपड़ा लगा दिया है और उस पर फैला दिया है इस तरह से, आप देख सकते हो पानी स्टेन करके। पानी को डब्बे के अंदर ही रखा है। अब इस पानी के अंदर हम जो हमने दरदरा पीस करके तैयार किया था वो मसाला मिक्स कर लेंगे। हमें और नमक नहीं डालना है, बस इसी नमक के अंदर। आप चाहे तो आपको थोड़ा कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। मसाले के अकॉर्डिंग चाहे तो आप 100 ग्राम नमक और डाल सकते हो, अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद हो तो नमक आप और डाल सकते हैं 100 ग्राम के लगभग, कुछ लोग डालते हैं पर मैंने नहीं डाला है। अब इस मसाले को थोड़ी देर मैंने ऐसे ही रखा पानी के अंदर और उसके बाद मैं मसाले को भी थोड़ा सुखा लेती हूँ क्योंकि अच्छे से फूल करके तैयार हो चुका है। तो मसाले को लगभग 1 से 2 घंटे के लिए पानी में, उसी पानी में रहने दें जो पानी निकला था ना केरी का और नमक का। एक्स्ट्रा पानी कुछ भी यूज नहीं करना है, कच्चे पानी का हाथ भी नहीं लगाना है। और मसाले को सुखा देना है और केरी को भी सुखा देना है। दोनों को अच्छे से लगभग 4 से 6 घंटे सूखने के बाद हम इसके अंदर तेल और मसाला मिक्स कर लेंगे। तो देखिए केरी मैंने डाल दिया डब्बे के अंदर, उसी के अंदर वापस, और ये जो मैंने मसाला तैयार किया था उसको भी डाल देंगे। इसके बाद आप लाल मिर्च का पाउडर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल दें। मैं यहाँ पे 100 ग्राम लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। 100 ग्राम लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और उसके बाद जो हमने तेल तैयार किया हुआ है सौंफ और काला जीरा फ्राई करके, जो तेल हमने तैयार किया है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो उसको भी हम इसके अंदर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो हमने सौंफ का मसाला तैयार किया है वो सौंफ और मेथी का, आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, पर या मेरे तो क्या है मसाला बहुत अच्छा लगता है, अचार के अंदर मसाला नहीं होता है तो अचार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मसाला ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है। अब ये जो तेल है ये भी हम इस डब्बे के अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा मैंने डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा मैं डालूँगी लाल मिर्ची का पाउडर, लगभग 100 ग्राम लाल मिर्ची का पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे और अब तेल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए डब्बे सहित जो है ना फटका कैसे लगता है। अब इसको आपको अच्छे से बिना स्पून के चलाना हो तो कैसे चलाएंगे, तो आप चाहे तो इस तरह का झारा हो ना उससे आप इसको मिक्स कर सकते हो, ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक, और उसके बाद में आपको लगभग 3 से 4 घंटे फिर से इसको धूप में रख देना है। लीजिए आपका अचार बिल्कुल से बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से डब्बे सहित जो ना केरी में फटका लगता है, अच्छे से उसको मिक्स कर लिया जाता है। और अब हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल से रेडी है और ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको सालों साल रखे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक